ओके, तो लेक्चर फोर पे आते हैं, डिटर्मिनेंट्स एंड इनवर्सेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, एलजेब्रा ऑन मैट्रिसेस, ये सब हमने अभी देखा था। डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ओके, A11, A12, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर की। अगर इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है तो ओके, दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो आप कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, मॉड ए और डेल्टा ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स और सेकेंड ऑर्डर की तो सिंपल है, ठीक है, आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे। एक एग्जांपल भी देख लेने हैं, 2, 3, 4, 5, कुछ भी इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4, माइनस से डिटर्मिनेंट आया। अब बात वहां फंसती है जब आपको थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब अगर बात करते हैं थर्ड ऑर्डर का, ओके, 3 क्रॉस 3, आपने मैट्रिक्स को देखा, A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। तो हम एक्चुअली क्या करेंगे, हम कुछ भी माइनस प्लस माइनस नहीं करेंगे, हम करेंगे सब कुछ प्लस ही, ठीक है, प्लस प्लस। हमने तीन टर्म निकाले, लेकिन जो एक बात होती है कि माइनस आता कहाँ से, तो हम क्या करते हैं कि हम ओपन करते हैं, ओपन करते हैं मतलब अगर हम A11 के अराउंड ओपन करें, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं कि इस रो और इस कॉलम को छोड़ के, जो A11 का रो कॉलम है, जो मैट्रिक्स बची, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर की, उसको हमने ओपन कर लिया। इसको ओपन तो पता है सबको, A22, A33 माइनस A32, A23, ओके, थोड़ा वो हो गया, ये चीज है सिंपल सी, ठीक है। अब हमने ये A11 के अराउंड किया, अब हम वही चीज करेंगे A12 के अराउंड। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमको किसी भी एक रो या एक कॉलम, एनी एनी वन रो और एनी वन कॉलम के अराउंड को ओपन करना पड़ता है, ठीक है। ये जो कर रहे हैं इसको हम कहेंगे कि हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये करेंगे। अब इसको हटा दिया हमने, अब बात करते हैं कि अगर हम A12 के अराउंड खोल रहे हैं, तो जो -1 हम देख रहे हैं, -1 की पावर में जो टर्म है वो क्या है, ये 1+1, ये 1+2, ये 1+3, तो ये जो टर्म है 1, 1, 1, 1, 2, इनका सम है, ठीक है। तो जहां पे ये सम ऑड हुआ, ठीक है, यहाँ पे ऑड हुआ, तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, तो ये जो प्लस है ये आपका माइनस में चेंज हो जाएगा, बाकी प्लस रहेंगे, इसीलिए मिडिल वाला टर्म माइनस होता है। ये रीजन है, प्रॉपर रीजन है कि क्यों माइनस होता है, ओके। अब हम अगर A12 के अराउंड खोलेंगे तो हमको पता है कि ये हमारे टर्म, ये मैट्रिक्स एंड ये मैट्रिक्स, ये फोर टर्म को आपको ओपन करना है, ठीक है, तो हम ओपन करते हैं A21 A33 माइनस A23 A31, ठीक है, ये हमने ओपन कर लिया, ठीक है, बहुत ही आराम से।